हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और खुश रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की एक नई पिका कार्ड रीडिंग है। इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होने वाली है। इस चीज़ को हम आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है ना। एंड मैं आपको बता दूं कि आज मैंने दो पाइल्स रखे हैं, ठीक है। एंड इस दो पाइल का सिलेक्शन आपको करना है अपने जोडियक साइंस में, ठीक है। आपका जो भी जोडियक साइन होता है आप उसे चेक करें, ठीक है। पाइल वन में ये सारे जोडियक साइंस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर एंड सैजिटेरियस। पाइल वन की ये है। अगर आपका ये सारा जोडियक साइंस है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। एंड देन पाइल नंबर टू, अगर आपकी लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आप पाइल नंबर टू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे देख ले इसे, आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों पाइल की टाइम स्टैम्प दे दूंगी, साथ ही साथ आपको ये भी दे दूंगी कि कौन से पाइल में कौन से जोडियक साइंस है, ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए। दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी इसे देख रहे हैं तभी के लिए वैलिड है। एंड दूसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी, एंड हम चिट्स के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। मैंने चिट्स भी बना रखे हैं, इससे हम आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम, इनिशियल्स एंड उनके द्वारा आपके लिए जो मैसेजेस है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। हेलो पाइल नंबर वन, जिनकी जोडियक साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर एंड सैजिटेरियस है, तो ये रीडिंग उनकी है, पाइल वन, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होने वाली है, आपके पर्सन के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप दोनों की बॉन्डिंग। फिर हम चिट्स के थ्रू भी देखेंगे उनके नेम, इनिशियल्स और भी डिटेल्स हम सारे देखेंगे। साथ ही साथ हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम उनकी सोल के द्वारा आपकी सोल को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये देखेंगे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड भी है। दोस्तों, मैं लगातार आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ एंड बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स दें। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और भी ज़्यादा आपके लिए वर्क करूँ, ठीक है। सो अपना प्यार हमेशा बनाए रखें दोस्तों। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले दोस्तों एंड बेल आइकन दबा ले। एंड अवनीता टैरो गाइडेंस की फैमिली से जुड़े रहे हमेशा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो तभी के लिए वैलिड है। दूसरी चीज़, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप मेल फीमेल कोई भी उसे देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो जो आपसे रेजोनेट हो रही है आपके कंडीशन के साथ उसे रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। आप मुझे मेल आईडी के थ्रू, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, एंड प्रोफाइल थ्रू इंस्टाग्राम और मेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु विल यू मैरी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हु विल पाइल वन मैरी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। Queen of Swords, Knight of Pentacles, Wow, Six of Wands, The Fool, Nine of Pentacles. वेट, इस वाले से भी हम निकालते हैं कार्ड्स। द आउटसाइडर, हीलिंग, wisdom, self-worth, wow.
सो पाइल नंबर वन, अगर मैं जोडियक साइंस की बात करूँ तो आपके पर्सन का जोडियक साइन किसी न किसी एयर साइंस की तरफ दिखाता होगा, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके पर्सन किसी अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये चीज़ें मुझे नजर आ रही है। अगर नहीं तो फिर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में ये प्रोमिनेंट होगा, ओके। एंड मैं अभी बात करूँ कि आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान होंगे, वाइफ, हस्बैंड, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, तो उनके लाइफ में उनको बहुत पास्ट में धोखे मिले होंगे, ठीक है। एंड वो काफ़ी हर्ट फील होंगे, उनके एक्सपीरियंसेस पास्ट के बहुत बैड होंगे, बहुत दुखी, लोगों ने उनके साथ बहुत चीट किया होगा, ठीक है। मुझे अगर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन, कुछ परसेंट के लिए, 30% के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में रिलेशनशिप में होंगे, तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा चीट मिला है, एंड इस वजह से वो पर्सन ब्रेकअप हो गया है उनका। एंड अभी आपके पर्सन मुझे सिंगल दिख रहे हैं। एंड 70% के लिए ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को उनके वर्क प्लेस पे, उनके फ्रेंड्स के थ्रू या किसी न किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी इनोसेंट एंड यंग एनर्जी के होंगे, सब पे जल्दी से जल्दी ट्रस्ट कर लेना, ठीक है। फ्री एनर्जी, पास्ट में अगर उन्हें कोई चीट करके जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम आके फिर वही पर्सन हेल्प मांगे या कुछ भी सेम सर्कमस्टांसेस में डाले, तो फिर पर्सन आपके उस पर भरोसा कर लेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यानी कि भरोसा बहुत जल्दी आपके पर्सन करते होंगे, और कुछ लोग उन्हें मैनिपुलेट करते होंगे और चीट देते होंगे। बाद में आपके पर्सन को रियलाइज़ होता होगा कि मुझे इमोशनली या फिर कैसे भी चीट किया गया है, जिस वजह से आपके पर्सन का जो एक्सपीरियंस होगा लोगों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं नेगेटिव होगा, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते होंगे, बहुत वर्क करते होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले होंगे, ठीक है ना। उनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए वो पूरी तरह से निभाएंगे, एंड कमिटमेंट के बहुत पक्के होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि वो लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास करते होंगे, ठीक है। वो लोगों के प्रति बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत लोगों के प्रति प्रेम रखना, सबके ऊपर दया दिखाना, हेल्प करने की भावना रखना, ऐसा होगा आपके पर्सन का। एंड सबको कभी भी ज़रूरत पड़े वो हेल्प करने में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो पर्सन को वो जानते हो या ना जानते हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड आपके पर्सन जो है वो बहुत यंग दिखते होंगे, ठीक है, एंड गुड लुकिंग भी होंगे। यंग दिखने का मतलब उनकी एज कुछ भी हो, आपसे बड़े हो छोटे हो, बट यंग दिखते होंगे, बहुत यंग। एंड अच्छे से सज संवर के रहना, बहुत अच्छे से तैयार होना, ये चीज़ें होंगी आपके पर्सन में। बहुत अच्छे से कपड़े पहनना, ठीक है, उनके पास बहुत अच्छे शूज़ होंगे और शूज़ का कलेक्शन करना, ये सब चीज़ आपके पर्सन को पसंद होगा, नहीं तो फिर आपको भी पसंद होगा, ठीक है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड ये हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस और आपके पर्सन का एक्सपीरियंस पास्ट का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा, तो जब आप लोग उनसे बातें करेंगे तो आप लोगों के बीच में एक बहुत कंफर्टेबल कन्वर्सेशन गुजरेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत आराम से आप लोग बात कर पाएंगे, बिकॉज आप दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे। वर्क को लेकर आपके पर्सन, मैंने बताया, बहुत ही हार्ड वर्कर, एंड जिस भी काम को स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश करते हैं, एंड सक्सेस उनकी कदम चूमती होगी, बहुत सक्सेस होगा आपके पर्सन को, ठीक है। एंड अगर अभी आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हाई नहीं होंगे, तो वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। एंड जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब में हो, बहुत सक्सेस पा रहे हैं, ठीक है। एंड आगे चल के उनका ऐसा होने वाला है कि वो एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पर पहुँचने वाले हैं। एंड आपको ये जब भी कमिटमेंट देंगे तो एक स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये कमिटमेंट स्टेबल होगा, आपके पर्सन स्टेबल, मतलब एक प्लेफुल एनर्जी में नहीं रहते होंगे कि रिलेशनशिप बनाया फिर तोड़ा, ये नहीं। आपके पर्सन ऐसे होंगे जो एक फाइनल कमिटमेंट खोज रहे होंगे, ठीक है, जिन्हें एक पार्टनर चाहिए लाइफ में, जो उनकी सपोर्ट कर सके, जो एक जिसके साथ वो अपनी फैमिली को बना सके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन एक एनिमल लवर भी होंगे, ठीक है, उनके पास पेट होगा या खुद एनिमल लवर होंगे, एनिमल्स की सेवा करते होंगे। एंड विद सिक्स ऑफ वैंड्स आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है ना। लोग उनको रिस्पेक्ट करने वाले हैं उनके उनकी विजडम के लिए, ठीक है। हो सकता है वो कोई नॉलेज देते हो लोगों को, प्रोफेसर हो, टीचर हो, अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी फेमस हो, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फेमस हो, या किसी भी तरह से पॉपुलर होंगे, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि वो लोगों की अपने वर्क के थ्रू, अपने विजडम के थ्रू हेल्प करते होंगे किसी न किसी तरह के, ठीक है। एंड विद द हीलिंग कार्ड मुझे ये फील हो रहा है, या तो आपके पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्सेस, कुछ भी, ठीक है ना, थ्रू योगा, चक्रा हीलिंग एंड रेकी हीलिंग, ये सभी चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन करते होंगे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आपके पर्सन बहुत इनोसेंट होंगे एंड आगे बढ़ते रहने में भरोसा करते होंगे, लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए आपके पर्सन को नहीं रोक सकती है, ठीक है। एंड आपके पर्सन अपने विजडम के थ्रू, उनके पास्ट में जो भी
एक्सपीरियंसेस हुए ना, उन सभी से वो सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका बर्डन लेके नहीं चलते, उन सबको पीछे छोड़ते जाते हैं, उनसे जो सीखना है वो सीखा एंड उसकी नेगेटिव चीज़ को पीछे छोड़ दिया। इस वजह से आपके पर्सन बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना एंड जो लेसन है उसको लेके आगे बढ़ना। आप जब भी उनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन का जो सोचने विचारने का तरीका है, उनका आई क्यू लेवल है, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हाई एंड रिच है, ठीक है, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी करेंगे, आपको भी हेल्प करेंगे कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है ना। आपके पर्सन खुद तो बहुत ही सक्सेसफुल होंगे एंड बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी कहने का मतलब इनर क्वालिटीज़, आउटर क्वालिटी दोनों, ठीक है ना, भीतर की भी क्वालिटी और अंदर की भी क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत रिच होगी, ठीक है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन को बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एज अ पार्टनर लाना चाहते होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट आपके पर्सन अभी सिंगल है एंड सिर्फ वर्क के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, एंड ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। विद द आउटसाइडर कार्ड आप दोनों के पर्सनैलिटी में या स्टेटस में डिफरेंस होगा, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच एंड फेमस हो एंड आप अभी उतने नहीं हो, ठीक है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आप थोड़ा सा आपको फील होगा कि हम दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस है, क्या आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये चीज़ है, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो ये चीज़ है कि आपके पर्सन खुद की भी इंपॉर्टेंस जानते होंगे एंड अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं, तो आपके पर्सन खुद आपको भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, एंड आपको हेल्प करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपके टीचर हो, आपके प्रोफेसर हो, या किसी न किसी तरह से आप इनसे गाइडेंस लेते हो, वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये जब आप सिंगल हो तो इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके लाइफ में जब भी आएंगे खुद तो बहुत सक्सेसफुल होंगे एंड आपको भी इंस्पायर करेंगे कि आप भी सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, ठीक है, एंड आप इस दौरान मिल सकते हैं जब आप हो सकता है उनसे हीलिंग लेने के लिए गए हो तब, ठीक है, एंड अपने बातों के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा हील करते होंगे, लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उनके पास आना चाहते होंगे, उनसे सीखना चाहते होंगे, ठीक है, एंड काफ़ी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। चलिए और कार्ड्स के थ्रू पता लगाते हैं आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी हो, चलिए देख लेते हैं और भी क्या आता है आपके लिए, कैसी होगी आपकी बॉन्डिंग आपके पर्सन के साथ, प्लीज एंजल सेल्फ मून गाइड मी। फिर हम चिट्स के थ्रू भी देखेंगे, प्लीज एंजल सेल्फ। पेशेंस, ओके, डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन के साथ अभी नहीं मिले हो तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके लाइफ में ये पर्सन एंटर होंगे एंड डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, इन द डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रहा है एंड आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है आप 6 वीक्स में अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके लिए हो सकता है कॉल आए, या फिर 6 मंथ्स में मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में ये एंटर हो सकता है ये पर्सन। डेफिनेटली 66 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड अप्रिसिएशन का भी कार्ड है एंड 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है एंड सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है दोस्तों, तो आप इस बात को क्लियर रखें कि आपके पर्सन को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता होगा। विद द अप्रिसिएशन कार्ड ईयर एंड 6 ऑफ वैंड्स कार्ड ईयर एंड सेल्फ वर्थ कार्ड ईयर, ठीक है ना, आपके पर्सन को ऐसा कह सकते हैं जहाँ भी जाते होंगे, हो सकता है कहीं जाते हो तो चीफ गेस्ट की तरह इन्वाइट किया जाता हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट IAS IPS भी दिख रहे हैं मुझे, या इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन, फेमस पर्सनालिटी होंगे किसी ना किसी तरह से, ठीक है, कोई फेमस डॉक्टर भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने वेट कार्ड, सो कार्ड्स गिर गए थे, हम फिर से सफल करेंगे, प्लीज एंजल सेल्फ मून गाइड मी, प्लीज एंजल सेल्फ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे एंड आपको आपको हील करेंगे। अगर आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस ख़राब है, आपको ऐसा फील होता है कि आपको कभी रिलेशनशिप मिलेगा ही नहीं, आपकी शादी ही नहीं होगी, तो ये पर्सन आपकी हीलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, आपके जो भी पास्ट में दुख तकलीफ है उसमें हील करेंगे आपको, ठीक है, विद द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड यस, आपको लगता है कि आपको प्रपोजल नहीं मिलेगा तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आई कैन सी दैट, ठीक है, एंड बहुत सरप्राइजिंगली होगा ये। आप कभी जब आप वेट कर रहे हो और जब आप वेट करना बंद कर दोगे, जब लगेगा आपको कि अब छोड़ो अपने ऊपर फोकस करते अपने वर्क के ऊपर, तब ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एंटर होंगे एंड आपको वैसा फील करेंगे जो आपने कभी फील ही नहीं किया होगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ किसी के लिए, ठीक है ना, ऐसा फील होगा, सेल्फ वर्थ, आई कैन सी दैट। ओह माय गॉड, हैप्पी फैमिली, ठीक है, सो आप एक हैप्पी फैमिली बना पाएंगे इस पर्सन के साथ, आई कैन सी दैट। वेट वेट, कार्ड्स नहीं दिख रहे, सो यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, विद द पेशेंस कार्ड, पेशेंस नहीं खोना है, आपके लाइफ में भी अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ टाइम ले रही है, इट मीन्स
और अच्छा होगा, जितना आपने सोचा नहीं उससे भी अच्छा होगा। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हो, अपने आप कैसे फील करते हो, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। तो आप जस्ट इसका उल्टा अफर्म करिए, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है, किसी भी जेंडर के हो। ये चीज़ है आपके लिए। 444 आया है, 444, ठीक है, विच इज़ ए एंजेलिक नंबर। आपको एंजल्स कुछ बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू, तो आप इसका मीनिंग देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इस इनडिसीजन, ठीक है, तो ये इनडिसीजन का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप आते होंगे, ठीक है, अभी एड वो कन्फ्यूज़ होते होंगे। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन अभी किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ख़राब है और उन्हें फील होता है कि किस पर ट्रस्ट करें किस पर ट्रस्ट नहीं करें। तो हो सकता है आप भी जब स्टार्टिंग में मिले तो आपके पर्सन आपको लेके कन्फ्यूज़ रहेंगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, बट आफ्टर सम टाइम जैसा कार्ड्स को देख के मैंने बताया कि आपके पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को पहचानेंगे, ठीक है ना, एंड उनके भी जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस ख़राब है, आप दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे, आप दोनों एक दूसरे से जब बात करेंगे तब आपके पर्सन का जो इनडिसीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड वो आपको अप्रिसिएट करेंगे, आपको वो आपको भी अप्रिसिएट करेंगे ना, आप लोगों के यहाँ पे फैमिली बनेगी, ठीक है, आई कैन सी दैट। एंड हम लास्ट कार्ड लेंगे, ठीक है, जिससे पता लगाएंगे, फिर हम चीट्स के थ्रू देखेंगे, प्लीज एंजल सेल्फ। ओके, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, ठीक है, ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होंगे एंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देंगे आपके लाइफ में। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, ये छोड़ के जाने वाले पर्सन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड बातों के पक्के, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए अब चीट्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है, अगर आप जानते हो ऑलरेडी तो भी आपको आसानी होगी पहचानने में, इस सफर प्लीज एंजल सेल्फ एस, ठीक है, एस से आपका नेम होगा या आपके पर्सन का होगा, ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा आपके साथ रेजोनेट हुई थी मैसेज नहीं हुई थी। एन, ये एन है, येलो से लिखा हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा, बट दिस इज एन, एस एन एंड वी हैव एफ, वी हैव ई एंड वी विल टेक लास्ट, प्लीज एंजल सेल्फ। तो लेटर्स आया है एस एन एफ ई टी, ये आपके पर्सन के मिडिल में नेम में हो सकता है, फर्स्ट नेम में हो सकता है, लास्ट में आपका भी नेम इनिशियल्स हो सकता है ये, ठीक है, ऐसा इसको देखिएगा। चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे आपके पर्सन में। ब्रेव, आपके पर्सन ब्रेव होंगे, ठीक है, ईगो सेंट्रिक, ठीक है, ईगो होगा उनमें थोड़ा सा, मुझे ये चीज़ दिखी है अभी कार्ड्स चीट्स के थ्रू। ओके, केयरिंग होंगे बहुत ज़्यादा, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग होंगे, बातों से एंटरटेन करते होंगे, एंड हो सकता है किसी अम्यूजमेंट फील्ड में हो, जैसे कोई सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल के सिंगर हो सकते हैं जो फेमस होंगे, एंड आर्ट की इंडस्ट्री में हो सकते हैं, डांसर या पेंटर हो सकते हैं फेमस, ये चीज़ें हैं, अम्यूजिंग इंटरटेनमेंट के फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी तरह से यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, जो लोगों को इंटरटेन करते हो। सो प्लीज एंजल्स हेल्प मी, ओल्ड फैशन, ठीक है, आपके पर्सन ओल्ड फैशन होंगे, टॉल लंबे हो सकते हैं, मॉडर्न, दोनों चीज़ आया, ओल्ड फैशन एंड मॉडर्न, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन ओल्ड फैशन होगा और एक जो मॉडर्न होगा, तो आप हो सकते हो ओल्ड फैशन हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, एक और ले लेते हैं। ओह माय गॉड, फिर से फेमस आया, डेफिनेटली फेमस होंगे, ठीक है ना, आप हो सकते हैं, हो सकता है आप भी फेमस हो, कुछ लोग आप लोग फेमस हो, फेमस डॉक्टर, फेमस टीचर या फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे फेमस हो सकते हैं, ठीक है, सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। एंड चलिए हम और भी चीट्स लेते हैं एंड पता करते हैं कि आपके पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स कैसे होंगे, बाहर से कैसे दिखते होंगे। मीडियम बिल्ड, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे होंगे एंड कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे नहीं होंगे, मीडियम होंगे, ठीक है, 5'7" 5'8" ऐसे हाइट होंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5'3" 5'4" 5'5" ऐसे। फेयर, कोरे होंगे, ठीक है, टैन, कुछ लोगों के लिए टैन होंगे या फिर आप लोग का ऐसा होगा एक फेयर एक टैन, दैट डजंट मैटर, वो इम्पोर्टेंट नहीं, हुक्ड नोज, हुक टाइप की नोज होगी, ठीक है, गिर रहा
टॉल, ज़्यादा चांसेस है टॉल होंगे क्योंकि दो दो बार टॉल आया, हो सकता है आप मीडियम बिल्ड हो, आपके पर्सन टॉल हैं, सो ये चीज़ है। चलिए शिट्स के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहेंगे, या फिर आप लोग अभी मिले नहीं हो तो भी आपकी सोल और आपके पर्सन की सोल किस तरह की कम्युनिकेशन करती है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो फिर आपको कैसे बातें करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है, ये है इस चीट्स के थ्रू हम जानेंगे। आई विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है, ब्रेव भी आया एंड प्रोटेक्ट भी आया, तो डेफिनेटली आपकी जितनी पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ है वो हील हो जाएगी एंड योर पर्सन विल बी ब्रेव एंड ही विल प्रोटेक्ट यू ही सी, ठीक है, जो भी फीमेल भी है तो शी विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है ना, फीमेल के लिए भी अगर देख रहे हो तो शी विल प्रोटेक्ट यू, शी विल बी वेरी ब्रेव। Everything was dark until you came to my life. Dark, ठीक है, तो उनकी लाइफ में सब कुछ डार्क था, उनकी लाइफ में कोई ऑनेस्ट पर्सन नहीं थे जिन पे वो ट्रस्ट कर सके, बट आपके ही एंटर होते हुए आप जब उनकी लाइफ में एंटर होंगे तो ऐसा कहेंगे, Everything was dark, मेरे लाइफ में सब कुछ अंधेरा था, until you came into my life, जब तक कि तुम मेरे लाइफ में नहीं आए थे या आई थी, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके भी पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, चीट्स मिला हो फ्रेंड के थ्रू रिलेशनशिप में हो तो भी, आई लुक एट यू एंड सी द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ओके, सो आपके पर्सन अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहेंगे एंड आपको अपनी पूरी लाइफ की तरह देखेंगे, वी विल टेक लास्ट, यू इज इक्वल टू माई बेस्ट फ्रेंड प्लस द लव ऑफ माई लाइफ, ठीक है, तो आपके पर्सन आप अपनी सारी बातें अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, पहले भी बताया था कि आप दोनों के एक्सपीरियंसेस काफ़ी सेम होंगे एंड वो आपको फ्रेंड की तरह भी ट्रीट करेंगे एंड लव ऑफ हिज लाइफ, और एवरीथिंग वाज डार्क इसलिए आपसे कहेंगे कि मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी डार्क थे और जब आप आ गए हो तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे जितने भी पास्ट की वाउंड है दुख है वो हील हो जाएगी, आप दोनों की आप लोग फ्रेंड की तरह बातें शेयर करोगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी एंड आपको हेल्प करेगी ये मैसेज ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचान सको, ठीक है, एंड चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, एंड अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। सो बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब, जिनकी जोड़ी एक साइंस है लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आप पाइल 2 में आते हैं एंड चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं इस रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, आपके पर्सन कैसे पर्सनालिटी के होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, फिर हम चिट्स के थ्रू नेम इनिशियल्स देखेंगे, आपके पर्सन की पर्सनालिटी, उनके उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होंगे, ठीक है, उनके पर्सनालिटी में उनके बिहेवियर में क्या क्या बातें होंगी वो चीज़ें भी हम देखेंगे चिट से एंड लास्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कैसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मिल चुके हैं तो भी और अगर नहीं मिले हो तो भी, ठीक है ना, जब मिलेंगे तो क्या मैसेज देंगे, ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग दोस्तों, तो जो आपसे मैसेज रेजोनेट हो रही है उसे रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, साथ ही साथ एक टाइम स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कभी भी देख रहे हो तभी के लिए ये वैलिड है। दूसरी चीज़ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, मेल हो फीमेल हो, अपने स्पाउस के लिए इसे देख सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करो या मेल आईडी के थ्रू, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी प्रोफाइल्स की, ठीक है, एंड मेल आईडी भी। सो चलिए हम सफल करते हैं, निकालते हैं प्लीज एंजल सेल्फ मीन गाइडिंग द हर्मिट, प्लीज एंजल सेल्फ मीन गाइडिंग, चलिए और कार्ड्स लेते हैं सफल करके, प्लीज एंजल सेल्फ मीन गाइड मी फॉर पालन। टू मेनी कार्ड्स वांट टू कम, फाइव ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आना चाह रहे हैं, वाह, आपको कोई पर्सन आपकी अपनी मन की बातें आपको बताना चाह रहा है, आई थिंक ये चीज मुझे नजर आ रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं एंड पता लगाते हैं। Who will you marry? Please angels help me guide me. Who will pile to marry? Silence.
माइजर। ग्रोथ, ग्रीफ, ओके। यू टेक लास्ट कार्ड, वैनिटी। सो पाइल नंबर टू में अगर आपके पर्सन के जोड़े साइंस की बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा आपके पर्सन वर्गो वर्गो होंगे, ठीक है ना, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी उनकी करेंट सिचुएशन में काफ़ी दुख तकलीफ चल रहे हैं, किसी न किसी तरह का उनके साथ लॉस हुआ है, ठीक है। ये लॉस कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हुआ है, एंड वो लॉस चीट के थ्रू लोगों के द्वारा चीट किया गया हो, उनके पीछे षड्यंत्र रचा हो और आपके पर्सन का लॉस करवा दिया गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उनके थ्रू उनको चीट मिला है, उनको छोड़ के चले गए जब आपके पर्सन ने कमिटमेंट की बात कही हो, ठीक है। वो लोग बहुत दिनों से आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, एंड आपके पर्सन उनके साथ फाइनल कमिटमेंट चाहते थे, फैमिली बिल्ड करना चाहते थे, जैसे ही बात की इसके बारे में छोड़ के चले गए वो लोग, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग इतने दिनों से मेरे साथ इतने पक्के रिलेशनशिप में थे, ठीक है ना, एंड अभी जब जैसे ही मैंने इनसे बात की रिलेशनशिप को फाइनल स्टेज देने के लिए, मैरिज के लिए, तो ये लोग छोड़ के चले गए, जिससे आपके पर्सन शॉक में भी है, शॉक्ड है, ठीक है ना, कि क्या लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं, क्या लोगों का ऐसा भी चेहरा होता है कि इतने दिन मेरे साथ मेरा केयर किया, इतने साथ बिल्कुल बॉन्डेड रहे मेरे साथ, एंड फाइनली जब मैंने फाइनल कमिटमेंट की बात की तो छोड़ के चले गए। बहुत ग्रीफ है इस बात का, आपका भी ऐसा हो सकता है कंडीशन, ठीक है, कार्ड्स दिखा रहे हैं तो किस, या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली का लॉस भी हो सकता है, किसी फैमिली पर्सन का लॉस हो जाना जो कि बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड थे आपके फ्यूचर स्पाउस से। ये फैमिली पर्सन कोई भी हो सकता है, मदर फादर, फैमिली की कोई भी मेम्बर, ठीक है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके पर्सन का जो बोझ है ना, दुख तकलीफ का, लाइफ के ऊपर से बहुत दुख मिल रहा है आपके पर्सन को, जिस वजह से आपके पर्सन ने अब सोच लिया है कि अब मुझे बाहरी लोगों से, बाहरी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं, अब मैं खुद पे फोकस रहूँगा, सेल्फ जर्नी, सच्चाई की खोज करना, दुनिया से मतलब नहीं रखना, सोसाइटी से विदड्रॉ कर लेना, लोगों से कम मिलना जुलना, एंड अपने दुख को, अपने तकलीफ को कम करने की कोशिश करना, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाना, ऐसा आपके पर्सन के साथ अभी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ भी ये है, और कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन स्टूडेंट हो, काफ़ी बार एग्जाम्स लिखे हो एंड उनको बार बार फेलियर मिल रहा है, एंड अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोकस्ड हो गए हैं, कमरे बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस हो गए हैं कि मुझे इस बार सक्सेस चाहिए, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। एक और चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन में ये चीज़ होगा, ठीक है ना, कि वो अपने ऊपर में ज़्यादा बिलीव करते होंगे, ठीक है, एंड लोगों के सामने उनमें ये चीज़ होगी थोड़ी सी कि खुद को सुपीरियर दिखाते होंगे, ठीक है, विद द वैनिटी कार्ड। उन्हें लगता होगा, जैसे आप मान लीजिए आप उनके साथ बहस हो रही है तो वो अपने पॉइंट्स को ही सही कहेंगे, वो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा विजडम वाले पर्सन मानते होंगे, ठीक है। इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को वो मुँह पर सच्चाई बोल देते हो, ठीक है, और इस वजह से कुछ लोग उनके सामने अच्छे बनते होंगे और पीठ पीछे उनके लिए षड्यंत्र रचते होंगे, क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सच बोलते हैं ना, खुलेआम बोलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, तो आपके पर्सन में ये चीज़ होगी। दो बातें बताई, पहला तो ये कि आपके पर्सन अपनी ही क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे, अपने आप को सुपीरियर मानते होंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड सेकंड चीज़ ये, जिसको आप नेगेटिव क्वालिटी भी समझ सकते हैं, कि आपके पर्सन मुँह पर सीधा सीधी बोलते होंगे, ठीक है, जैसे लोगों को बातें घुमा के नहीं बोलते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। द माइजर, आपके पर्सन में थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर होगा, ठीक है, अगर पास्ट में कोई बातें उनको बोल दे बुरी तो वो दिमाग में लेके चलते होंगे। एंड ये चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन फाइनेंसेस पे बहुत फोकस होंगे, उनके पास काफ़ी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, नहीं तो फिर वो उसे बहुत पसंद कर देंगे अपने पास रखना, नई गाड़ी खरीदना, नए घर बनाना, ये सब आपके पर्सन का सपना होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास ऑलरेडी इतनी अबंडेंस होगी, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर। एंड विद द मैजिशियन कार्ड, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, इन सभी चीज़ों में बिलीव करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, आई फील दैट, ठीक है, विद द साइलेंस कार्ड। एंड इस वजह से आपकी पर्सन की जो ग्रीफ वाली सिचुएशन है, हियर इट इज़,
ये जो ग्रीफ वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, एंड विद द साइलेंस का कार्ड होता है द स्टार का कार्ड, ठीक है, द स्टार जो है यहाँ पे आया है एंड ग्रीफ, तो आपके पर्सन की हीलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, वो क्योंकि मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, और अपने आप को कैसे हील करना है, खुद के भीतर जाके खुद को कैसे हील करना है, साइलेंस में रहना, हो सकता है आपके पर्सन मेडिटेशन करते हो, ठीक है, इस तरह का एनर्जी होगा काफ़ी। एक साधु संत में कैसी क्वालिटी होती है, बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है, आपके पर्सन भले मूव पे थोड़े से सीधा बात बोलते, ठीक है, कुछ ऐसी बातें बोलते जो लोगों को चुभ जाए, लेकिन आपके पर्सन दिल के अच्छे होंगे, बहुत मन के साफ, बहुत प्योर, एकदम मन के शांत ऐसे होंगे। आपको जब मिलेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत शांत है, ठीक है, बिल्कुल शांत होंगे, क्वालिटी होगी आपके पर्सन में, विजडम होगा, नॉलेज होगा, एंड इस पर्सन के साथ आप रह के काफ़ी ग्रो करेंगे इनके नॉलेज के थ्रू, और ये पर्सन बिल्कुल मैजिशियन की तरह होंगे, जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते होंगे उसे पाते होंगे, एंड काफ़ी कुछ अचीव भी किया होगा विद द साइलेंस कार्ड विच इज़ अ स्टार कार्ड इन द टैरो डेक। तो ये चीज़ है आपके पर्सन में होगी। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप दोनों पर्सन का, ठीक है, एंड देन हम चिट्स के थ्रू भी और देखेंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर टू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, तो आपके पर्सन हिम्मत बना के रखते होंगे विद द मैजिशियन कार्ड, उनके लाइफ में जो भी डिफिकल्टी आती होगी वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह काम करते होंगे, या फिर आपके लाइफ में अगर काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहे हैं तो आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी आपकी सहायता करेंगे, एंड आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है लियो हो, ठीक है ना, उनका लियो हो सकता है ज़ोडियक साइंस, काफ़ी ब्राइट होंगे, पैशनेट होंगे, एंड सिचुएशन के आगे हार नहीं मानते होंगे, खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, ये चीज़ होगा आपके पर्सन में, ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है, तो उनका ग्रीफ के साथ अटैचमेंट होगा, यहाँ पे द माइजर का भी कार्ड है, अटैचमेंट, ठीक है ना, बहुत अटैचमेंट रखते होंगे, अगर उन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो उस बात को मन में दबा के रखते होंगे, दुख तकलीफ होगा उनके लाइफ में, ठीक है, पास्ट के काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन होंगे जिससे वो अटैच्ड होंगे, आपको जब मिलेंगे तो वो डिप्रेस्ड होंगे, दुखी होंगे, ठीक है ना, आपको अपनी बातें बताएंगे, आई कैन सी दैट, ठीक है, एंड वो सबको अपनी बातें नहीं बताते होंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए तो वो करेंगे। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, विद दिस कार्ड मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन की जो हीलिंग होगी ना वो जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की हीलिंग तब होगी जब आपसे मिलेंगे, ठीक है, आपके लिए नंबर 5-5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई कैन सी 5-5 फॉर मेनी टाइम्स इन योर रीडिंग, 5-5 मुझे बहुत बार नज़र आ रहे हैं। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, आपके पर्सन की हीलिंग आपके साथ हो जाएगी, या फिर आप दोनों की मैरिज होगी तब हो सकता है आपके पर्सन का जो ग्रीफ है, दुख है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हील करेंगे आप उनके साथ। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल यूरियल, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एंजल आए हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आर्कएंजल, तो आपके पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, वी हैव क्राउन चक्र है, उनका क्राउन चक्र काफ़ी डेवलप्ड होगा, विजडम होगा, एंड डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन मेडिटेशन योगा करते होंगे, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल होंगे काफ़ी, और उनके लाइफ में गॉड ने अभी जो भी उनको चीट मिला, जो भी नेगेटिव सिचुएशन उनकी चल रही है, गॉड ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो उनके अंदर चेंजेस आए, उनकी ग्रोथ हो, ठीक है, भले ही वो अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रहे हैं पर उनकी ग्रोथ होगी, ऐसा सिचुएशन आपका भी हो सकता है, ठीक है, तो आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी हम और देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, आपके पर्सन का मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोगों का बिजनेस में लॉस होगा आपके पर्सन का, आई कैन सी दैट, हो सकता है आपके पर्सन का बिजनेस में लॉस हुआ है और अभी उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा और वो उनका भी लॉस हो गया, गो विद द फ्लो, ठीक है, तो आपके पर्सन फ्लो में जाएंगे, जो हो रहा है उसको संभालेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है, एंड आपके पर्सन अपने आप में जो भी उनकी गलती हो गई विद द हर्मिट कार्ड, खुद के अंदर झांक के सही करेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे, बट हाँ उनके मन में हमेशा उस चीज़ का दुख रहेगा, बट वो आगे बढ़ेंगे। फ्रेंडशिप, इस पर्सन से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप स्टार्ट होगा, एंड आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करेंगे, फ्रेंडशिप आप फ्रेंड्स के थ्रू मिलाए जा सकते हैं, मेमोरीज़, ठीक है, कुछ लोग आप अगर सेपरेशन में तो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप लोग काफ़ी
जो लोग सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करेंगे, और ये भी है कि आप दोनों अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। विद द फ्रेंडशिप कार्ड आप दोनों की दोस्ती से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, एंड विद द मेमोरीज कार्ड आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करेंगे। मतलब कह सकते हैं वो आपकी अपनी तकलीफें आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनके साथ शेयर करेंगे, एंड जो भी आप मोमेंट हो सकता है काफ़ी घूमे फिरे, ठीक है, या फिर शांति में आप लोग समय बिताएं किसी भी नदी किनारे, ठीक है, या पार्क में कहीं भी जहाँ आपको शांति मिले, आप लोग इस तरह की मेमोरीज क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, मुझे ये फील हो रहा है। कुछ लोग मुझे लग रहा है आप लोग रैंडमली मिल जाओ कहीं पार्क में घूमने गए हैं तब आप लोगों की बातें शुरू हो जाए, ऑनलाइन मिल सकते हैं, आपसे हेल्प मांगेंगे, आस्क फॉर हेल्प। हो सकता है कोई पर्सन अभी आपसे हेल्प मांग रहे हो आपके फ्रेंड ग्रुप में, शायद वो डिप्रेस हो या किसी तरह से उनका लॉस हुआ, तो आपसे अगर वो हेल्प मांग रहे हैं तो मे बी ये पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आई कैन सी दैट। वी विल टेक लास्ट कार्ड, वेटिंग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आपके पर्सन के, कैसे उनके कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी लेट मी टर्न टू थ्री, तीन तीन एक साथ आया। पेट्स, आपके पर्सन के पास पेट होंगे, आपके पास सबसे टॉल होंगे, एंड क्वर्की, ठीक है, क्वर्की होंगे। ओपननेस, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे ये फील हो रहा है ना, फ्रेंडशिप का कार्ड भी है एंड ओपननेस भी है, तो एक मिनट, फ्रेंडशिप, आस्क फॉर हेल्प एंड ओपननेस, तो आपके पर्सन जो है ना आपसे शायद अपनी बातें शेयर करेंगे। हो सकता उन्हें किसी और में अपनी बातें शेयर करने का भरोसा नहीं आता हो, तो आपसे करेंगे, ठीक है, आपसे हेल्प लेंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे। वार्म्थ, काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ, एंड मेमोरीज क्रिएट करेंगे। आई हैव द मेमोरी कार्ड हियर, ठीक है ना। जो मोमेंट आप लोग एक दूसरे के साथ बिताएंगे वो काफ़ी आप लोगों के लिए मेमोरेबल होगा, ठीक है। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। एक्स, ओके, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक्स लग रहा है, आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स यानी कि आपके पास में आपके एक्स के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ का, तो वो रिटर्न होंगे आपके पर्सन, एंड आपसे हेल्प मांगेंगे, आपको कहेंगे फॉरगिव करो एंड हमें फिर से अपने साथ रिलेशन में ले लो, ये चीज़ होगा। एस आपका नेम, आपके पर्सन का नेम हो सकता है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, कुछ भी। यू, ठीक है। पी एंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यू एस पी आया है, ठीक है, एंड एक्स भी आया है, तो ये चीज़ है। चलिए फिजिकल ट्रेट्स देखते हैं आपके पर्सन का, बाहर से कैसे दिखते होंगे। पिंपली, स्किन पे पिंपल होगा आपके, हो सकता है आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है ना, सर देखिएगा। राउंड आइज, आँखें गोल होंगी, ऐसे भी पहचान सकते हैं। बफ मसल्स, बफ होंगे जैसे जिम में जाने के बाद होता है ना, लड़कियों के भी हो सकते हैं। फ्रेकल्स, चेहरे पे कुछ दाग धब्बे होंगे, ठीक है ना, पिंपल्स, पिंपली भी आया है। फेयर, गोरे होंगे। यू विल टेक वन मोर। डार्क, कुछ लोगों के लिए डार्क होंगे, या फिर आप डार्क हो सकते हैं, आपके पर्सन फेयर या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। वेल बिल्ट, आपके पर्सन जिम में जाते होंगे एंड उनका बनावट, शरीर का ढांचा काफ़ी अच्छा होगा, वेल बिल्ट आया, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लिया हमने, अब हम चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको कैसे बात करेंगे, क्या आपसे बोलना चाहेंगे, क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। इट्स अबाउट टू हैपन, ठीक है। तो जो लोग अभी अपने पर्सन से नहीं मिले हैं वो मिलने वाले हैं, इट्स अबाउट टू हैपन, मिलने वाले हैं आप लोग जो सिंगल हैं, ठीक है, या फिर जिन जो एक्स का वेट कर रहे हैं। वी हैव वेटिंग कार्ड हियर, वेट, यहाँ पे देखिए वेटिंग कार्ड भी, एंड इट्स अबाउट टू हैपन, आपके एक्स आपको कॉल करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप सेपरेशन में है तो। सिंगल के लिए बता रही हूँ कि आप मिलने वाले हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, लाइन चली गई है, ठीक है ना, तो आई थिंक आपको नज़र आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है पता नहीं क्यों। सो हम यहाँ पे चिट्स देखेंगे और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहेंगे। वी विल टेक, आई एम कमिंग सून, ओ माई गॉड, दो बार है, इट्स अबाउट टू हैपन एंड आई एम कमिंग सून। सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई बिकॉज लाइन चली गई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट।
आई लव यू एंड आई एम टोटली एंड कम्प्लीटली इन लव विथ यू एंड आई एम टेलिंग यू। आपके पर्सन आपको ऐसा कहेंगे, ही विल प्योरली लव यू, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक करेंगे, अपने लाइफ में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे। वी विल टेक लास्ट, यू इज इक्वल टू माई बेस्ट फ्रेंड प्लस द लव ऑफ माई लाइफ, फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड एंड यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेंडशिप। तो आप लोगों को आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपने फ्रेंड की तरह मानेंगे, ठीक है ना, एंड इस प्लस द लव ऑफ माई लाइफ, ठीक है, आप उनके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे एंड यू विल ही और शी विल डेफिनेटली लव यू एंड प्लस आप उनके फ्रेंड भी बनेंगे, या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपको हेल्प की हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दिस लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।